यहाँ कैसे बिल्डिंग बन सकती है, ये नापतौली भी हो जाए, अतिक्रमण वगैरह जहाँ हटना वो हटा दिया जाएगा देख के, क्योंकि कॉलेज की जमीन कॉलेज की ही रहनी चाहिए, कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ बेहतर मॉडल बिल्डिंग बन सकती हो तो हम इसी महीने उसको स्वीकृत कर देंगे, देर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर भी होंगे, अपने उच्च शिक्षा विभाग को मैं कह दूंगा बात करके कैसे कैसे बिल्डिंग बन सकती है, और हम दूसरे विकल्प पे भी विचार करेंगे, क्योंकि तत्काल कहना मेरा संभव नहीं है सब चीजें देख के। लेकिन अपने महाविद्यालय की विशाल और भव्य भवन सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा, ये पक्का है। अब इसके साथ साथ जब हम बनाएंगे तो खेल परिसर से लेके आपने जो बाकी चीजें कही है उनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मैं आज ये कह रहा हूं कि एक बार ये तय हो जाए कि हम बिल्डिंग कैसे बननी है, या नए संकाय का सवाल हो, या अत्याधुनिक सुविधाएं देने का सवाल हो, और बाकी जितनी चीजें आपने मांग पत्र में दी है, अभी अप्रोच रोड का मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक बार देख लें, यही बनना है तो फिर यहाँ से हम कैसे कहाँ अप्रोच रोड निकालें उसकी व्यवस्था करेंगे। संकाय आप तय कर लो कि इसको वाणिज्य और कला महाविद्यालय रहने देना है या इसमें विज्ञान को भी जोड़ना है, हम तय कर लें आपस में। अगर आप चाहेंगे तो विज्ञान संकाय भी जोड़ दिया जाएगा, अत्याधुनिक जो विषय और है जो आज की दृष्टि से प्रासंगिक है उनको भी हम जोड़ने का इस पे काम करेंगे। तो जितनी चीजें आपने बताई महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, निश्चित तौर पर उनको हम संपन्न करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है वो तय हो जाने के बाद बिल्डिंग भवन बाकी सब चीजें फिर बाकी चीज हम करेंगे। आज तो मैं और मैं ये कलेक्टर को जवाबदारी सौंप रहा हूँ, विदिन ए वीक ये सारी चीज हमको करना है, उनको भी बता देंगे, शिक्षा को एजेंसी कौन देंगे उसको भी बता देंगे। तो इसकी नापतौली करके यहाँ जो बन सकता है हम उसको ढंग से देख लेंगे, परिसर सुरक्षित रहे इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मैं फिर अपने पुराने सभी मित्रों को, अभी तो जी भरा नहीं है लेकिन आज मजबूरी है, मुझे जाना है। तारीख हमने ऐसी तय की थी कि इसके बाद साथ में भोजन भी करेंगे, लेकिन वो हम लोगों की जिंदगी ऐसी है कि अचानक एक ऐसी बैठक आ गई जिसके लिए हमको जाना पड़ रहा है। और इसलिए मैं पुराने सब मित्रों को बहुत बधाई का दूं, गले लगने की इच्छा है, आज टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है यार, और कई दिख नहीं रहे उनको भी बुला लो। नहीं नहीं मैंने तय कर लिया, कलेक्टर ही मुझे याद दिलाएंगे, सितंबर में ही करेंगे, व्यस्तता में करेंगे, उसी दिन गाएंगे। आज आज गाने का मूड नहीं है। सितंबर में कार्यक्रम तय कर दे। अरे नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना, थोड़ा बजा दो यार। और अतिथि विद्वान बहनें और भाइयां बैठे हैं, जल्दी तुम्हें भी बुलाने वाला हूं,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।